दीदी आज तो मेरा ट्रेन है, हम तो जा रहे हैं, तो तुलसी विवाह कब पड़ रहा है, कैसे करेंगे ये सब पूरा बता दो हमको, फिर बुला जाते हैं। अच्छा तुलसी विवाह कल, तो कुछ लोग कल भी बोल रहा है कि होगा, लेकिन कल नहीं होना चाहिए, परसों होगा तुलसी विवाह, क्योंकि कल भद्रा कुछ पड़ रहा है, इसके चलते परसों होगा तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह का क्या है, जो कार्तिक चढ़ जाता है ना पूर्णिमा का में कार्तिक, उस समय से तुलसी भगवान जी को सिंदूर लगाना बंद हो जाता है कार्तिक भर, कार्तिक भर। और जो अभी तुलसी विवाह आया है उसी दिन तुलसी जी को अच्छा से सजा उजा के नहला, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, नहा धो के और जितना चौका पुराता है ना, वैसे चौका पुराएगा वहाँ पे, फिर विष्णु भगवान जी रखाएंगे, तुलसी भगवान जी को पूरा श्रृंगार करके चुन्नी उन्नी जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे सजा दो पूरा, और फिर पूरा दिया जलाओ, और जैसे सिंदूर उसी दिन से तुलसी भगवान जी को सिंदूर लगेगा, फिर लगते रहेगा, फिर अगला साल जो कार्तिक आएगा उसका पहले जो पूर्णिमा आता है उसमें सिंदूर लगाना बंद हो जाता है, एक महीना पूरा बंद रहेगा कार्तिक। हाँ कार्तिक में ये नहीं सुना है कि जैसे जिस दिन शादी होता है तो हम जैसे ये नहीं तुलसी उसके तुलसी के बगल में शालिग्राम को मान के विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। अच्छा शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान एक ही है, एक ही है। हाँ मान लो तुलसी जी के साथ एक छोटा सा कोशिश करना चाहिए, मान लो शालिग्राम नहीं है तो पत्थर को जितना पत्थर अपना रख के दादी जी कहते हम सुने थे वो शादी धूमधाम से होता, पूरा मिठाई श्रृंगार जिसको जितनी क्षमता जैसा शौक शौक। और ये भी सुनता है कि जैसे हम मान लीजिए पूज रहे हैं तो उसमें सिंदूर अरे चूड़ी बिंदी सब पहनाया जाता है, फिर वही आदमी पहनता प्रसाद के रूप में, बिंदी भी लेकर के लगाया है जिसने को आया, पिछड़ा भी चढ़ाते हैं चढ़ाते हैं, मतलब अपना जिसको मैंने दिया अपने पहना कुछ भी कर सकता है। क्या करते हैं खोइछा भी दे देते हैं, जब दूसरा दिन उठाए ना तो खोइछा दे करके, और फिर और कुछ चुड़िया पहना देते हैं, कुछ चुड़िया अपने पहन लेते हैं, और फिर जहाँ रखते हैं वहाँ रखते हैं पेड़ में ही तुलसी भगवान जी में बांध देते हैं, अपना ऐसे रहता अपने आप इधर उधर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बंधा रहा। तो खोइछा सुने की उन्हीं को दिया जाता है, जैसे जिनको घर से आप भेज रही, तो तुलसी तो हम लोग चाहते हैं कि तुलसी सदैव हम लोग के आंगन में बसी रहे, तो उससे क्या, लेकिन शादी में खोइछा दिया जाता रहा तो उस दिन हम लोग शादी किए हैं ना, तो खोइछा तो देंगे भाई। और विष्णु भगवान जी के साथ में अपने घर में हम विष्णु भगवान जी और कैसे आप नहीं मान लो कि हम अभी शादी कर रहे हैं, फिर उस पर नहीं से नैहर से ससुराल ला दिए तो हम अपने ही घर में ला दिए, और क्या जरूरी है, तो खोइछा शादी किए है तो खोइछा देंगे नहीं है। और कैसे उसमें होता कि नहीं दिया जाता है लक्ष्मी जी का, तो लक्ष्मी जी का हम लोग शादी नहीं ना करते, उनको तो आगमन करते हैं और इसलिए खोइछा नहीं देते कि मेरे घर ही में है तो उनको क्या खोइछा दे, हमेशा तो मेरे घर में लक्ष्मी जी हमेशा बारह मेरे घर में ही जाए जाएगा, तो तुलसी जी भी रहती है लेकिन वो शादी किए हैं उस दिन, कैसे देखो आजकल तो सब त्योहार परसों तो हम लोग कर ही लेंगे, तुम तो कल पहुँच जाओगे, कल पहुँच जाएंगे, वही नहीं पहुँच पाएगी ये भी परसों नहीं करेंगे, हाँ देखेंगे पहुँचने के बाद करेंगे। चलो अच्छा ठीक है दीदी, अच्छा से बता दी तू, और तुम भी अपना जिसको नहीं जानकारी होगा उसको बताना, और तुम भी दीदी बताना, क्योंकि जिसको जो ज्ञान रहता है वो तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा धन है कि जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, ज्ञान तो कभी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सब आदमी को अलग अलग ज्ञान होता है, किसी को कुछ किसी को, अब जो गलती होगा वो तुलसी माँ माफ करेंगे, और क्या। चलिए इतना जानकारी रहा उतना हम लोग करते हैं, और ये छठ हम लोग किए धूमधाम से, और अभी आवला नवमी का लाल पूजा किए बढ़िया से, अब देखो छठी मैया किस घाट पर किस जगह बना, हम लोग एक से जय छठी मैया, छठी मैया।
या तो फिर यहाँ या तो पटना तो नहीं कहीं भी यहाँ कोई भी पार्ट में पूरा परिवार साथ आते और करे धूमधाम से अच्छा से जय छठी मैया।